लेटली बहुत लोग MIUI 12 के बारे में पूछ रहे हैं कि उनके डिवाइस में ये अपडेट कब आएगा, इसे बिना रूट के कैसे इंस्टॉल करें या फलाना ढिमका। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये अपडेट किस फ़ोन पे अवेलेबल है और आप इसको अपने फ़ोन में मैन्युअली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। करेंटली MIUI 12 अपडेट इंडिया में कुछ ही डिवाइसेस में अवेलेबल है, जैसे कि रेडमी K20 और K20 प्रो, और इस लिस्ट के हिसाब से बाकी डिवाइसेस में बहुत जल्द ही ये अपडेट आने वाला है। आज के वीडियो में इसे मैन्युअली अपडेट करने का तरीका जो बताऊंगा वो K20 प्रो यूजर्स के लिए है, बट जैसे ही दूसरे फोन्स का अपडेट बैच निकलेगा आप उन फोन्स में भी इसी तरह से मैन्युअली अपडेट कर पाएंगे। MIUI 12 का अपडेट नोटिफिकेशन अगर आपको मिलता है एंड आप इसे इग्नोर करते हैं बाद में इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको ये अपडेट बाद में शो नहीं करेगा एंड शायद ये ग्लिच है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करें। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक से आप फाइल को डाउनलोड कर लें। उसके डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप सेटिंग्स पे जाके अबाउट फ़ोन में जाए, फिर आपको ये स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन में ऊपर के ऑप्शन में आप क्लिक करके चेक कीजिए कि आपको ये चूज़ अपडेट पैकेज वाला ऑप्शन शो कर रहा है या नहीं। अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको इस MIUI के आइकॉन पर टैप करना है 8 बार। ये करने पर आपके फ़ोन में एडिशनल अपडेट फीचर्स ऑन हो जाएगा। अब आप रेडी है अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए। सिंपली इस पे क्लिक करें एंड सिलेक्ट चूज अपडेट पैकेज। यहाँ से आपका फाइल जिस लोकेशन पे डाउनलोड हुआ था उस फोल्डर पे जाके फाइल को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा कि आपका सिस्टम अपडेट के लिए रेडी है एंड आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा टू रीबूट योर डिवाइस। रीबूट होने में मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेगा एंड उसके बाद यू विल हैव योर डिवाइस अपडेटेड। अब बात करते हैं MIUI 12 के नए फीचर्स के बारे में जो बहुत कम लोग ही बात कर रहे हैं। पहला फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है सनलाइट मोड। इस मोड के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं डायरेक्ट सनलाइट में अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था एंड मुझे नोटिफिकेशन में इस फीचर को यूज़ करने के लिए सजेशन मिला। ये यूजुअली तभी काम करता है जब आपके फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल्स को ऑटोमेटिक में नहीं रखा है आपने। दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है डिजिटल वेलबींग। इसके अंदर आपके फ़ोन का यूसेज बड़ी डिटेल में दिखा देता है। कोई भी ऐप्स हो या आपको जानना हो कि आपने अपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया है या कितने नोटिफिकेशन अभी तक आपको मिले हैं, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें बेड टाइम मोड भी देखने को मिलता है, जिससे आप रात को फ़ोन में D&D स्केड्यूल कर सकते हैं और साथ ही आपका एंटायर फ़ोन ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रात के यूज़ केस के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक और फीचर इस वेलबींग ऐप में है वो है फोकस मोड। फोकस मोड में आप किसी भी ऐप को पॉज कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। सो आप जब भी फोकस करना चाहे यूज़ फोकस मोड एंड यूटिलाइज योर प्रोडक्टिविटी। थर्ड फीचर दैट आई वांट टॉक अबाउट इज द वीडियो टूल बॉक्स। इस फीचर से आप किसी भी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए यू नीड टू हैव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, बट यूजिंग दिस टूल आप बड़ी आराम से इसे बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊंगा आपको MX प्लेयर। गूगल क्रोम में बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल है ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए, बट हम में से ज्यादातर लोगों को इन प्लगइन्स या एक्सटेंशंस के बारे में अगर नहीं मैं पता। स्क्रीन को डायरेक्ट लॉक कर दूं तो ऐप बंद हो जाता है, बट वही चीज अगर मैं वीडियो टूल बॉक्स के थ्रू करूं तो आप जैसा कि सुन सकते हैं ये बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। दिस फीचर इज इंप्रेसिव। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चौथा फीचर का नाम है फ्लोटिंग विंडो। ये फीचर मल्टीटास्किंग के लिए ऑसम है एंड पिक्चर इन पिक्चर मोड के डेफिनेशन को एक अलग लेवल पे ले जाता है। इसकी हेल्प से आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिनी वर्जन में खोल सकते हैं, मूव कर सकते हैं या पिन करके रख सकते हैं ताकि वो बैकग्राउंड में चलते रहे। मल्टीटास्किंग इसकी वजह से बहुत ईजी हो गया है। फिफ्थ ऑप्शन जो मुझे काफ़ी सही लगी वो है अल्ट्रा बैटरी सेवर। हालांकि ये ऑप्शन MIUI 11 के ग्लोबल वेरिएंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इंडियन वेरिएंट में इसका इंटीग्रेशन MIUI 12 में हो गया है एंड इट्स रियली ऑसम। ये सारे अनइम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड रिसोर्सेज को क्लोज करके आपको एक मिनिमल इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू सेव पावर ऑन योर बैटरी। बहुत ही यूजफुल है गाइस, डू गिव इट अ ट्राई। द लास्ट चेंज जो मुझे अच्छा लगा इज द कॉल नोटिफिकेशन ऑन द स्टेटस बार। MIUI 11 के कॉल करने से कॉल नोटिफिकेशन पूरे स्टेटस बार को कवर करता था, बट दिस हैज चेंज सिंस द अपडेट। अब इसमें एक छोटा सा आइकॉन आता है। ये बहुत बड़ी चेंज तो नहीं है, बट आई रियली लाइक दिस वन। अगर इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आप लैग इश्यूज फेस करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप नोवा लॉन्चर डाउनलोड करें जो बहुत ही कस्टमाइजेबल है।
ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइज, इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स दे दूंगा फॉर डाउनलोडिंग दी अपडेट मैनुअली, और जितने भी फोन्स के MIUI 12 अपडेट्स निकलेंगे मैं उन्हें इंस्टेंटली यहाँ ऐड करता जाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अपडेट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इट्स मी अब्दुल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय। I'm trying to hide it, getting these voices inside to stay quiet. All knew the